मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अटोनफा क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। वर्ड अटोनफा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो माफी मांगता हूँ या क्षमा मांगता हूँ। जैसे अगर आपको कहना हो कि गाली देने के लिए माफी मांगता हूँ, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे अटोनफा, उसके बाद आप एक नाउन या जेरेंड लिख सकते हैं। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर कहना हो गाली देने के लिए माफी चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई अटोनफा अब्यूजिंग। अगर आपको कहना हो कि इस बात के लिए माफी चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई अटोनफा दिस थिंग। यानी इस बात के लिए माफी चाहता हूँ, आपको तंग करने के लिए माफी चाहता हूँ। आई अटोन फॉर डिस्टर्बिंग यू, यानी आपको तंग करने के लिए माफी चाहता हूँ। इनकार के लिए माफी चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई अटोन फॉर डिनाइल, यानी इनकार के लिए माफी चाहता हूँ। अगर आपको कहना हो कि देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई अटोन फॉर कमिंग लेट, यानी देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। यह काम करने के लिए माफी चाहता हूँ, आई अटोन फॉर डूइंग दिस वर्क, यानी यह काम करने के लिए माफी चाहता हूँ। बाय द वे, अगर आपका सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही शी इट, तो आप अटोन की जगह पर बोलेंगे अटोन्स। जैसे चोरी करने के लिए वह माफी चाहता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही अटोन्स फॉर स्टीलिंग, यानी चोरी करने के लिए वह माफी चाहता है। हल्ला करने के लिए वह माफी चाहती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी अटोन्स फॉर मेकिंग अ नॉइज। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर था, तो हमने अटोन में लिखा एस, मैंने बोला अटोन्स फॉर। हो सकता है आप सोचे ऐसा क्यों, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप पार्ट 6 देखें, जहां मैंने डिटेल से बताया है कि वर्ब में कब एस या एस जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि अटोनफा क्या है। फ्रेंड्स, यहां मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जहां एक कंप्लीट ग्रामर के साथ आपको मिलेगा स्पोकन इंग्लिश के सैकड़ों स्ट्रक्चर्स, जो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट करने के लिए बहुत मददगार होगा। और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।